हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पोहा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो पोहा हर घर में बनता है और हर कोई अलग अलग तरीके से हर डिश को बनाता है, एक जैसा कोई भी नहीं बनाता है। डिश एक होती है लेकिन बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो मैं कैसे बनाती हूँ पोहा, तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। पोहा बनाने के लिए मैंने लिया है एक छन्नी और उसमें 2 कटोरी मैंने पोहा लिया है और इसको हम धोएंगे, साफ करके धोएंगे इसे इस तरह से। और ये देखिए मैंने ये धो लिया है पोहा को और अब हम एक पतीली के ऊपर इस छन्नी को रख देंगे ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी हो तो इसमें निकल जाए। अब मैंने एक पैन को गैस के ऊपर रख दिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया है, 1-2 चम्मच तेल होगा ये। इसके ऊपर से मैंने ये मूंगफली डाल दी है, कच्ची मूंगफली है और इसे हम रोस्ट करेंगे। बस ये रोस्ट हो चुकी हैं जैसे कि हमें चाहिए था, एकदम क्रंची हो चुकी हैं ये। और इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे अलग से। और ये मैंने सारी मूंगफली निकाल चुकी हूँ। अब इसी तेल में हम जो है थोड़ा सा मैंने लहसुन की कुछ कलियाँ डाल दी हैं काट कर। इसके ऊपर से डाल दी है मैंने एक हरी मिर्च काट कर। अब मैंने एक कटा हुआ प्याज लिया है, वो भी हम डाल देंगे इसके ऊपर। और अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दिया है। और मैंने एक टमाटर लिया है कटा हुआ, ये भी हमने डाल दिया है यहाँ पर। उसके बाद मैंने ये मसाले लिए हैं कुछ, जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक हो गया, मिर्च हो गया। तो इस तरह से मैंने मिर्च पहले भी डाली थी तो मैं मिर्च को थोड़ा सा ही डालूंगी। थोड़ा सा मैंने काली मिर्च भी ले ली है यहाँ पर, इसे भी मैं थोड़ा डाल दूंगी। अब बस अब हमें इसको मिक्स करना है। अब ये मसाले भी हो चुके हैं। अब मैंने ये यहाँ पर जो पोहा रखा था एकदम ड्राई हो चुका है, देखिए कितना हिला हिला सा, और इसको भी हमने इसमें डाल दिया है और इसे हम मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना खिला खिला सा बन गया है ये पोहा। और अब हमने जो है ये मिक्स कर लिया है अच्छे से। और ये कटोरी में मैंने जो मूंगफली निकाले थे रोस्ट किए हुए, तो इसको हम मिक्स कर लेंगे इसमें। मैंने ये भी डाल दिए हैं सारे के सारे। मैंने गैस के फ्लेम को थोड़ा तेज कर लिया है और हम थोड़ा सा मैं इसे पकने दूंगी और उसके बाद बस मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। और ये बनकर बिल्कुल तैयार है लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा चलाना है। और ये देखिए अभी पैन बहुत गर्म है और मैंने लिया है एक बाउल और बाउल में हम इसे ट्रांसफर कर देंगे। देखिए कितना खिला खिला सा बना है, बहुत ही स्वादिष्ट। थोड़ा सा मैंने नींबू भी डाल दिया है, आधा नींबू का रस होगा मैंने ये डाल दिया है इसके ऊपर से। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है इसमें पोहे में। और फाइनली ये बनकर तैयार है, देखिए कुछ इस तरह से बना है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी। तो जब भी आपका कुछ खाने का मन करे तो आप मैगी की तरफ मत दौड़िए, आप इसे बनाइए 2 मिनट में। 2 मिनट में मैगी तो नहीं बनती है लेकिन हाँ ये ज़रूर बन जाता है। ये देखिए कितना खिला खिला सा बना है, बहुत ही अच्छा और टेस्टी। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ये रेसिपी कैसी लगी है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।